तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एके मोटो टॉक। मैं हूं आपका होस्ट अक्षांश भट्ट और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अफोर्डेबल एंड ड्यूरेबल स्कूटी के बारे में जो कि अच्छा माइलेज देती हो, पावर एंड परफॉर्मेंस में भी ज़बरदस्त हो, ज़्यादा BHP हो, ज़्यादा टॉर्क हो, ऐसी स्कूटी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि चलाने में भी आपको स्टेबिलिटी में भी बहुत ही अच्छी हो। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए सुजुकी की XS 125। क्या आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए, डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी की आज। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी में अगर आप इसके हेडलैम्प्स नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको बड़ा सा क्रोम मिल जाता है, बीच में आपको स्क्वायर टाइप आपको हेडलैम्प्स मिल जाती हैं जो कि प्रीटी नाइस लगती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं हेडलैम्प्स। वहीं अगर मैं इसके यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर सुजुकी का लोगो मिल जाता है बीच सेंटर में ही। आपको कलर आप देख सकते हैं जो कि शाइनिंग ब्लू कलर दिया हुआ है इस गाड़ी में, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर टर्निंग इंडिकेटर्स देख सकते हैं आपको दोनों साइड नीचे की तरफ मिल जाते हैं। वहीं अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मडगार्ड देख सकते हैं आप आगे का, यहाँ पर टायर्स देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं मैं व्हील बताऊँ आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आप व्हील्स देख सकते हैं जो कि आप बोलेंगे यह स्टील व्हील है, आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में यह स्टील व्हील है या अलॉय व्हील्स है। तो चलिए आप साइड प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं इस गाड़ी की। तो यहाँ पर मैं बात करूँ इस गाड़ी में, यहाँ पर XS 125 की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर सैप की बैजिंग मिल जाती है। सैप का मतलब मैं आपको बता दूँ, सुजुकी इको परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर एसेसरी दे सकते हैं जो कि आपको कंपनी फिटेड मिलती है सारी के सारे। यहाँ पर क्रोम मिल जाता है एग्जॉस्ट के ऊपर आपको। यहाँ पर सारे आप लुक्स देख सकते हैं, साइड ओवरऑल साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं। वहीं अगर बैक प्रोफाइल की तरफ बढ़े तो यहाँ पर देख सकते हैं बीच में आपको सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर टेल लैंप्स देख सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं इसके टेल लैंप। बल्ब दिया हुआ है, कोई भी LED का ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं टर्निंग इंडिकेटर जो कि आपको साथ में बल्ब मिल जाते हैं। यहाँ पर मड़का दे रहे रफ आपको ब्लैक कलर का यहाँ पर मिल जाता है। एक्सॉस्ट का साउंड मैं आपको सुना दूंगा बाद में। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर फुट स्टेप मिल जाता है आपको यहाँ पर, जो कि बैक पैसेंजर के लिए अवॉइड रहेगा। वहीं अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको की का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं मैं आपको की दिखा दूँ इसकी, तो कुछ इस प्रकार की इसकी की आती है, सुजुकी का लोगो मिल जाता है दोनों ही तरफ। बूट यहाँ से ही आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से हम बूट ओपन करते हैं तो सेगमेंट का सबसे बड़ा इसमें आपको बूट ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप फुल साइज हेलमेट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं और थोड़ा और स्पेस इसमें मिल जाता है। फ्यूल टैंक भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और वहीं मैं अगर बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हम जैसे इसको ऑन करते हैं यहाँ पर वेलकम फंक्शन के साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है डिजिटल, आपको यहाँ पर ट्रिप मीटर मिल जाते हैं जो कि फ्यूल वगैरह सब आपको इसमें डिटेल बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं एक बार गाड़ी को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर इकोनॉमी की भी आपको मिल जाती है बैजिंग, यहाँ पर लाइट्स की, हाई बीम लो बीम की, टर्निंग इंडिकेटर्स की। यहाँ पर देख सकते हैं साउंड भी आपको प्रोवाइड हो जाता है। यहाँ पर साइड मिरर देख सकते हैं जो कि इसके टॉप एंड वेरिएंट में आते हैं। बेस और दो वेरिएंट हैं, ये बेस वेरिएंट है, इसके अपर वाला वेरिएंट जिसमें अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं और वहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं फ्रंट में, वहीं आपको यहाँ पर नहीं मिल पाते। उसमें आपको यहाँ पर क्रोम यहाँ पर मिरर्स मिल जाते हैं, उसमें यहाँ पर आपको क्रोम मिरर्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पर सारे कंट्रोल्स दिए हुए हॉर्न वगैरह सारे, मैं आपका हॉर्न सुना देता हूँ एक बार। यहाँ पर इसमें नॉर्मल हॉर्न मिल जाता है आपको गाड़ी में। अब मेन बात आ जाती है कि आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। अब यह गाड़ी परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़बरदस्त है, 10 NM का टॉर्क मिल जाता है आपको और 8.50 BHP की पावर जनरेट करती है यह स्कूटी। मेन बात है इसका इंजन जो कि बहुत ही मोस्ट पावरफुल इंजन है और सबसे ज़्यादा सेगमेंट में यह गाड़ी बिकती है 125 के सेगमेंट में, 125 CC के सेगमेंट में सबसे ज़्यादा यह गाड़ी बिकती है, सेलिंग में सबसे ज़्यादा है यह गाड़ी। वहीं अगर लुक्स की बात करूँ तो अपने अपने सबके लुक्स होते हैं, किसको एक्टिवा पसंद आती है, किसको जुपिटर पसंद आती है। वहीं अगर मेरे लुक्स की पर्सनल बात करूँ तो मुझे भी डिसेंट लगती है गाड़ी, चलाने में बहुत ही अच्छी है यह परफॉर्मेंस के मामले में। इसकी हैंडलिंग बहुत ही अच्छी है जो कि स्मॉल हैंडलिंग दी हुई है आपको। स्टेबिलिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, जब आपको हायर स्पीड पर ले जाएंगे तब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप स्टेबिलिटी खो रहे हैं, बहुत ही अच्छी है गाड़ी। तो मेरे हिसाब से अगर आप सस्पेंशन सेटअप की मैं बात करूँ तो सस्पेंशन सेटअप भी इस गाड़ी के बहुत ही अच्छे हैं, ज़्यादा स्टफ नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है। तो अगर आपको मेरे हिसाब से अगर आप
मेरे वर्डिक लेते हैं तो मेरे हिसाब से आपको यह गाड़ी खरीदनी चाहिए। वहीं अगर आप जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर के कंपेरेटिव में यह गाड़ी आपको ज़्यादा पावर दे देती है और माइलेज भी अप्रॉक्स आपको एक्टिवा इतना ही मिल जाता है। तो यह था कुछ वीडियो एक्सेस 125। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वीडियो देखने के दोस्तों।